बताए तो कौन से कानून में रोका जा रहा है मुझको और हमारे नेता को भी माननीय अखिलेश यादव जी को क्यों रोका जा रहा है? क्यों क्यों रोका जा रहा भाई? ये घोषित इमरजेंसी है। अरे कोरोना है तो मैं तो कोरोना में ये चुनाव पूरा हो गया कोरोना में पुलिस कुछ बोली नहीं रही है। मैं पुलिस से पूछ रहा हूँ कि आम रास्ता क्यों रोक दिया गया और माननीय अखिलेश यादव जी को क्यों रोका जा रहा? ये किसान अगर देश में नहीं बचेगा तो क्या बगैर अन्न के रह लेंगे? ये बताएं कौन रह लेगा इस देश में बगैर अन्न के, बगैर खाना खाए? अब वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे क्या करना है, लेकिन हम विधायकों को भी रोक रहे हैं। ये कौन से कानून में है? अभी क्या करेंगे आप? क्या आपको जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ से? हम तो जाने का प्रयास करेंगे भाई। अगर सब विधायकों को जेल में डालना है, आप क्या करना चाहते हैं? इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं? अगर विधायक और कितने लोग आ रहे हैं अभी कार्यालय? अब मैं तो जा रहा था कार्यालय, लेकिन ये रोक रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र में है? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, उनके लिए रोक रहे हैं? ये देश में क्या हो रहा है? अघोषित इमरजेंसी है। कोई प्रशासन का आदमी बताने को तैयार नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, क्यों रोक रहे हैं बताइए ना। मैं मास्क लगाए हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग हमारी पार्टी के सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। हम अकेले हैं, हम पूरी भीड़ भी नहीं है। हमारे नेता भी जाना चाहते हैं, लेकिन क्यों रोका जा रहा है भाई बताए ना। ये बताइए, अखिलेश जी ने ट्वीट भी किया है, कदम कदम बढ़ाए जाए और जाने का एक तरीके से आह्वान है, तो आप लोग क्या पहुंचेंगे कन्नौज? देखिए, समाजवादी पार्टी है और किसानों की समाजवादी पार्टी है। किसान, नौजवान और इस उत्तर प्रदेश में जिसके साथ में अन्याय होगा वो समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। अब किसान यहाँ की रीढ़ है। पूरे लॉकडाउन में जितनी अर्थव्यवस्थाएं खराब हुई उनमें किसान ने ही देश को बचाया है। अब किसान जिस दिन नहीं बचेगा उस दिन देश में क्या बचेगा? और हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी किसानों के नेता हैं। किसान